करीब दो साल से सड़क पर जंग खा रही JNURM की बसें अब सड़कों पर दौड़ेंगी, क्योंकि प्रदेश सरकार इन बसों को सड़कों पर उतारने के लिए हाईकोर्ट से निवेदन किया है, जिस पर अनुमति मिलने पर 325 बसों को चलाने के लिए हरी झंडी मिलेगी। हमीरपुर नहीं अपितु पूरे प्रदेश में सड़कों के किनारे JNURM की करोड़ों रुपए की बसें खटारा बन रही हैं। परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने बताया कि JNURM की बसें निर्धारित क्लस्टर के तहत गैर कानूनी तरीके से चलाई जा रही थी, जिस कारण हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी, लेकिन अब 14 जून को हाईकोर्ट में सुनवाई है और अनुमति मिलने के बाद सड़कों पर इन्हें दोबारा चलाया जाएगा। उन बसों को हाईकोर्ट ने यह कहा था कि ये बसें गैर कानूनी तरीके से जो निर्धारित जो क्लस्टर थे उन पर नहीं चल रही थी, इसलिए उन्होंने रोक लगा दी थी, और जिसके कारण से 325 बसें हिमाचल में JNURM की खड़ी हैं। अब हमने हाईकोर्ट को निवेदन किया है और हाईकोर्ट को हमने एप्लीकेशन दी है। अभी 14 तारीख को उसकी तारीख लगी है, तो लगता है कि हाईकोर्ट उस दिन अनुमति मिलेगी और ये 325 बसें सड़कों पर आएंगी। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने JNURM की बसों के निर्धारित मापदंड पर ना होने पर चलने पर रोक लगा दी थी, जिस कारण प्रदेश के हर जिला में बसें जंग खा रही थी, लेकिन अब नई सरकार बनने पर परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर के प्रयासों से जल्द ही सड़कों पर ये बसें दौड़ेंगी।